गुड मॉर्निंग। है एनर्जी की नहीं है? नाश्ता कर लिया ना? चाय वगैरह पी लिया? चाय कॉफी नहीं पी है? पीने की इच्छा होगी तो क्या करोगे? हाँ मुझको बताओ, मैं बनवाती हूँ चाय उस पर, ठीक है? पीने की इच्छा होगी चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मुझको बताओ, आई मेक अरेंजमेंट, आई मेक नेसेसरी अरेंजमेंट ताकि तुम लोगों को किसी भी हॉस्पिटैलिटी की कमी फील ना हो। तुम लोग इंजॉय करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? तो अब तक हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सा जो टर्म था, जो बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ लिया आप लोगों ने। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके आगे जो है ना, यहाँ से जो पार्ट चालू होता है ना, दैट इज बिट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। कि ऑफर, जब हम बोलते हैं कि ऑफर होना चाहिए तो व्हाट इज एन ऑफर, वो क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं? तो आपको बहुत ही सिंपल टर्म में पता है कि मुझे अगर कुछ खरीदना है तो मैंने किसी को पूछा कि आप ये बेचने के लिए रेडी हो, दैट इज एन ऑफर। या मुझको कुछ बेचना है और मैंने किसी को पूछा कि आप खरीदने के लिए रेडी हो, दैट इज एन ऑफर। यस, तो अब तक हमको इतना ही पता है कि ऑफर ये होता है। तो ऑफर एग्जैक्टली लॉ में कैसे लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो पढ़ना है अपने को। तो ऑफर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, ये तो क्लियर है। कौन सा सेक्शन है? क्लॉज ए में ऑफर डिफाइंड किया गया है। क्या डेफिनेशन है ऑफर का वो देखो, स्टार्ट ही अपना यहां से होने वाला है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ बता रहा है, तो अगर एक पर्सन मिस्टर ए है तो दूसरा पर्सन कौन होना चाहिए? मिस्टर बी होना चाहिए। मतलब इट कैन बी एनी पर्सन अदर देन ए, बराबर की नहीं? एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था मिनिमम कितने पार्टीज, टू पार्टीज। तो यहाँ पे व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाई कर रहा है? हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? इच्छा। हिज विलिंगनेस, इच्छा, क्या इच्छा होगी? टू डू, कुछ करने की इच्छा होगी, और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेंस का मतलब होता है स्टॉप करना, रुकाना, प्रिवेंट करना। या तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज आप मेरे लिए ये काम करो, ये एक ऑफर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ऑफर? मैं आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज ये काम मेरे लिए मत करो। समझ में आ रहा है? बोथ कैन बी ऑफर। ऑफर कैन बी पॉजिटिव, ऑफर कैन बी नेगेटिव। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए अगर वो अपना विलिंगनेस किसी को बताता है, क्यों बता रहा है? सो विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर, मतलब जिसको भी उसने बताया है अपना विलिंगनेस, सिग्निफाई किया है कुछ करने वाला है कुछ नहीं करने वाला, वो चाहता है कि सामने वाला इसके ऊपर क्या दे दे, अपना असेंट दे दे। असेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल दे दे कि हाँ भैया मैं आपके लिए काम करूंगा। समझ में आ रहा है? टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, जो भी इसने काम बोला है, अगर करने वाला बोला होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करने के लिए रेडी है, नेगेटिव बोला होगा तो नेगेटिव करने के लिए रेडी है। सो टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे ये मान लिया जाएगा कि ए ने क्या किया है, बी को प्रपोजल दिया है। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन आपको पहले बताओ जो इसमें टर्म्स यूज किए गए वो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मैं पहला एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यहाँ पर मिस्टर ए है और यहाँ पर कौन है? मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि विल यू बाय माय मर्सिडीज, ठीक है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूछा विल यू बाय माय मर्सिडीज फॉर 50 लाख रुपीज। तो क्या मिस्टर ए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने के लिए ऑफर दे रहे हैं? किसको ऑफर दे रहे हैं? मिस्टर बी को। तो इस डेफिनेशन के साथ इसको एनालाइज करें हम लोग। When one person signifies to another, A ने signify किया किसको? B को। His willingness to do, अभी हम इस पर रुकते, पहले positive पर रुकते हैं। His willingness to do, तो ये चाहता है ना कि मैं अपनी गाड़ी बेचूं और आप मेरी गाड़ी purchase करो। So when one person signifies to another, his willingness to do with a view to obtaining, अभी इसने क्यों बोला? ए ने बी को मेरी मर्सिडीज परचेस करोगे, ऐसा क्यों बोला? ताकि बी क्या करे?
हाँ बोल दे बराबर की नहीं। तो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, आप क्या कर रहे हो, बी का असेंट लेने के लिए आप बी को ये क्वेश्चन पूछ रहे हो बराबर। टू सच एक्ट, इस एक्ट के लिए ही ना, मर्सिडीज खरीदने के लिए तो बोल रहा है ना, और मर्सिडीज खरीदने के लिए तो वो हाँ मतलब बी का असेंट लेना चाहता है, बी से हाँ बुलवाना चाहता है बराबर की नहीं। तो क्या यहाँ पे ए ने बी को प्रपोजल दिया, यस। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, बी को प्रपोजल दिया है। प्रपोजल में एक ही क्वेश्चन पूछा है बहुत ही सिंपल तरीके से कि बी क्या तुम मेरी मर्सिडीज 50 लाख रुपए में परचेज करोगे। अगर बी हाँ बोल देता है, अगर बी हाँ बोल देता है तो क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, आप लोग बताओ क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। यस, कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होगा। हम अज्यूम करते हैं बाकी के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक वैलिड ऑफर है, वैलिड ऑफर है कि नहीं है, यस वैलिड ऑफर है। क्यों वैलिड ऑफर है, क्योंकि ऑफर का जो भी डेफिनेशन है, ऑफर के डेफिनेशन में जैसा बोला गया वैसा फुलफिल हो रहा है कंडीशन। तो एक वैलिड ऑफर है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज वैलिड ऑफर होना। अगर आपका ऑफर ही वैलिड नहीं है तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। इसके लिए ऑफर को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमने जो एग्जाम्पल देखा दैट वॉज टू डू समथिंग, पॉजिटिव एग्जाम्पल था, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि आप मेरे लिए ये काम करोगे, और दूसरा पर्सन अगर उसके लिए हाँ बोलता है तो यहाँ पे एक वैलिड ऑफर क्रिएट होता है, आई मीन वैलिड एक्सेप्टेंस आता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, अदिति क्लियर है, पहला एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम लोग दूसरे पार्ट को समझेंगे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब मैं तुमको सेकेंड एग्जाम्पल देती हूं। सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पे है मिस्टर एक्स और यहां पर है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स इज अ बैड डांसर, मिस्टर वाई इज अ गुड डांसर। अब इनके सोसाइटी में या इनके कॉलेज में या इनके स्कूल में कोई कंपटीशन है, क्या है, कंपटीशन है। अब कंपटीशन में एक्स जो बैड डांसर है उसने भी पार्टिसिपेट किया है, वाई जो गुड डांसर है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। अब होगा क्या, जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसको 1 लाख रुपए का क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 लाख रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा। अब रिवॉर्ड लेने के लिए जिसको नाचने नहीं आता है वो भी चला जाता है स्टेज के ऊपर, ये सोचिए कि शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर लू और मुझको 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड आ जाए बराबर की नहीं। तो इन दोनों ने क्या क्या मिलके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अब एक्स को पता है कि इसको डांस करना नहीं आता है अच्छे से, या जितना भी डांस कर पाता है वाई के सामने हमेशा वो क्या है, कम ही है। मतलब वाई इज द बेस्ट डांसर, तो वाई अगर पार्टिसिपेट करता है और परफॉर्म करता है और वो जीतता है तो ही विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज। उसके सामने फिर कोई भी परफॉर्म करे वो हारने ही वाला है। तो एक्स ने वाई को क्या किया, एक ऑफर दिया। एक्स ने वाई को एक ऑफर दिया कि वाई एक काम करो, आप मेरे लिए ना इस कंपटीशन में डांस मत करो, आप इस कंपटीशन में डांस मत करो। क्यों नहीं करो आए, क्योंकि अगर आप डांस करोगे तो आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि मैं इस कंपटीशन में जीतूं। कुछ अलग पर्पस होगा उसको इस कॉम्पिटिशन में जीतने का, लेकिन वो चाहता है एक्स की मैं इस कॉम्पिटिशन में जीतूं। तो उसने वाई को बोला कि वाई क्या आप मेरे लिए इस कॉम्पिटिशन में डांस नहीं करोगे। तो उसने क्या किया, अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस किया, एक्स ने वाई को अपना विलिंगनेस एक्सप्रेस किया। अब वाई के पास चॉइस है, वो हाँ भी बोल सकता है वो ना भी बोल सकता है। तो वाई बोलेगा लेकिन मैं क्यों ना डांस करूं, मुझे भी पैसे की जरूरत है, मैं जीतता हूं तो आई विल गेट 1 लाख रुपीज, तुम बोल तो डांस मत करो। तो ये बोलता तू उसका टेंशन मत ले, तुझको पैसे ही चाहिए ना, आई विल गिव यू 1.2 लाख रुपीज। मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मेरे पास स्किल सेट और टैलेंट की कमी है। तेरे पास पैसे की कमी है लेकिन टैलेंट और स्किल्स भर भर के है, दोनों का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हाँ, तो वाई एक्स बोलता है कि मुझे खाली कॉम्पिटिशन में जीतना है बस, मुझे पैसे से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसके लिए आई विल पे यू 1.2 लाख रुपीज, मतलब 1,20,000 रुपए आपको मैं दूंगा, आप क्या करो इस कॉम्पिटिशन में डांस मत करो। अब वाई के पास लालच जागेगा कि नहीं जागेगा, भाई सोचेगा कि हाँ इधर जीतूंगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा तो शायद से मुझको 1.2 लाख मिल जाएगा। तो वाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर देता है, यस बोलता है कि ठीक है चलेगा मैं डांस नहीं करूंगा इस कॉम्पिटिशन में, यू पे मी 1.2 लाख रुपीज,
क्या यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्या यहाँ पे ऑफर वैलिड है? यस, यहाँ पे ऑफर में क्या था, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सिग्निफाई किया, हिज विलिंगनेस, इसकी विलिंगनेस है, इसकी क्या विलिंगनेस है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये चाहता है कि वाई कुछ तो ना करे, वाई कुछ तो ना करे, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर। एक्स ने ऐसा क्यों बोला था कि वाई का क्या ले सके, अप्रूवल ले सके, बराबर, टू सच एब्सटिनेंस, वो काम नहीं करने के लिए आप क्या दे दो, अप्रूवल दे दो। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स ने प्रपोजल दिया है वाई को। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो एग्जाम्पल क्लियर है, अगर डाउट है तो मैं आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? सुप्रिया ठीक है। अब आप लोगों को इसका डेफिनेशन जो है ना वो याद करना है। देखो डेफिनेशन तो मैंने पांच पार्ट में डिवाइड किया है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पांच लाइनें याद करोगे, मेरे साथ पांच बार बोलोगे, फिर उसके बाद याद करोगे, फिर मैं आपको पूछूंगी, ठीक है? देख देख के बोलो, अभी आप बिना देखे मत बोलने का काम करो। क्या बोला है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। क्लियर है? और क्या बार बोलना है आप लोगों को? अब जरा फटाफट बोले, ठीक है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। और तीन बार बोलना है, गुड। थोड़ा भी आप लोगों का आवाज बढ़ना चाहिए और स्पीड और बढ़नी चाहिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। दो बार और बोलना है, आप लोग कुछ बोलोगे? वन लास्ट टाइम बोलो। ऐसा लग रहा है आपको कुछ याद हो गया है, ऐसा लग रहा है कि याद हो गया है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं यहाँ से इस कंटेंट को भी हाइड करने वाली हूँ। आप लोगों को नोटबुक निकालना है, नोटबुक में हेडिंग देना है प्रपोजल स्लैश ऑफर, नीचे डेफिनेशन लिखना है, सेक्शन मेंशन करना है, और जिस तरीके से आप लोगों ने याद किया है इस डेफिनेशन को उसी तरीके से लिखना है, मतलब पॉइंटर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? यू हैव ऑल 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपको एक बार लिखना है फटाक से। अदिति हो गया, सुप्रिया डन, ऋतुजा, अनुज, खाली एक बार तुम लोग वेरीफाई करो जो लिखा है तुम लोगों ने और जो मॉड्यूल में दिया है क्या वो मिल रहा है।
सेम टू सेम है या नहीं। ऐसे लिखा पहले लाइन सबका यही है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेंस की स्पेलिंग सही लिखी है सब लोगों ने, जिनका भी स्पेलिंग गलत हुआ है प्लीज स्पेलिंग करेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एब्सटेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यही लिखा है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट सच अदर, मैच हो रहा है। फोर्थ पॉइंट में यही लिखा है, टू सर्च एट और एब्सटेनेंस, स्पेलिंग यही लिखा है क्या, गुड। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। अगर आप लोगों ने ये सब सही लिखा है, अपने आपको दो मार्क्स वहां पे एलोकेट कर दो, लिख दो मार्क्स, लिख दो आपको मिल गए दो मार्क्स। अब ये तो हमने पढ़ा कि ऑफर का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऑफर क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए जब अपना विलिंगनेस सिग्निफाई करता है, बताता है, ताकि वो सामने वाले पर्सन का क्या ले सके, असेंट ले सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे। यहां तक डाउट है किसी को, नहीं। अब ऑफर भी वैलिड होने के लिए ना कुछ कुछ एलिमेंट्स है उसमें जो फुलफिल करने पड़ेंगे, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स थे, वैसे ही ऑफर को भी वैलिड होने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आपका ऑफर वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका ऑफर क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अगर ऑफर इनवैलिड है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशनशिप। ये आप लोगों ने शुरुआत से सुनते आए हो, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। तो अगर कोई बायर होता है और कोई सेलर होता है तो उनके बीच में क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है। इसका इसका होने का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में या अगर आपके ऑफर में लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स अगर कोई पार्टी अपना काम परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उस पार्टी के ऊपर क्या कर सकती है, स्यू कर सकती है, बराबर की नहीं। यही है इसका एग्जाम्पल, मतलब यही है इसका इसेंस, वरना कोई वैलिडिटी नहीं रखता। अगर आप केस ही नहीं कर पाओगे तो कोई वैलिडिटी रखता ही नहीं है, तो फिर आप ये बन जाएगा सोशल अग्रीमेंट, और सोशल अग्रीमेंट के नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर की नहीं। तो एक ऑफर को भी वैलिड होने के लिए ऑफर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो क्या क्रिएट कर सके, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। अब मैंने यहाँ पे बाजू में मॉड्यूल ओपन करके रखा है, साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, मॉड्यूल से भी रेफर करते रहेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर लिख नहीं पाऊंगी कुछ भी, लिखना होगा तो मैं अपने नोट्स पे आ जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। मैंने आपको बता दिया हर ऑफर में क्या होना चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल है, किसी पर्सन का बर्थडे था, उसने होटल बुक किया, लोगों को इन्वाइट किया, जब वो जाके देखता तो वहां पे कोई है ही नहीं, तो वो क्या करना चाहता है, अदर पार्टी के ऊपर जिसको इन्वाइट किया था, इनवाइटेड के ऊपर केस करना चाहता है कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे पार्टी में आए नहीं, मेरा इतना लॉस हो गया, एक्स वाई जेड चीजें बताओ, चाहे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड ऑफर है, नहीं यहाँ पे आप किसी भी पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। प्लीज ये एग्जाम्पल फटाक से रीड कर लो, पढ़ा आप लोगों ने, इसमें क्या बताया है, बर्थडे बॉय ने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को पार्टी करने के लिए, और बर्थडे बॉय खुद ही वेन्यू पे अवेलेबल था ही नहीं, तो जो बंदा जो पार्टी करने के इससे आया था, शौक से आया था कि हाँ जाएंगे पार्टी करेंगे खाएंगे पियेंगे, वो बंदा खुद ही क्या है, मतलब वो बंदा अकेले ही आया है, जो पर्सन पार्टी देने वाला था जिसका बर्थडे था वो आया ही नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं उसके ऊपर केस करूं और पैसे रिकवर करूं, पॉसिबल है क्या ऐसा, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं होने का रीजन क्या है, सोशल अग्रीमेंट है, आप किसी से रिकवर नहीं कर सकते ये सारे पैसे। सेकेंड क्या है, इट मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वेग, सर्टन होना चाहिए, क्वांटिटी है क्वालिटी है जो भी आप स्पेसिफाई कर दो, क्लियर होना चाहिए कि भाई आप क्या मांग रहे हो वो क्लैरिफाई कर दो, डेफिनेट मतलब आप उसको डिफाइन करो कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी है कितना क्वांटम है जो आप चाहते हो, वो आपको सब डिफाइन करना चाहिए। तो इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो 100 टन्स ऑफ ऑयल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि नहीं, बस ये वही है, आप जाके एक शॉपकीपर जिसके पास वैराइटीज ऑफ ऑयल पड़ा है, आप उसको बोलते हो मुझको ऑयल चाहिए,
तो यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट सर्टनली किस टाइप का ऑयल आप मांग रहे हो, तो इस सिचुएशन में कोई ऑफर ही वैलिड हुआ क्या आपका? नहीं। तो वैलिड ऑफर होने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टाइप का ऑयल कितना क्वांटिटी में आपको चाहिए, तब जाके वो ऑफर क्या होता है, सर्टन होता है और एक वैलिड ऑफर क्रिएट करता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लो इधर ही। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनिट, इट इज इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तब आपको ऑफर ही क्लियर नहीं है तो एक्सेप्टेंस देके भी आप क्या करोगे, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। अभी ए बोल रहा है कि मैं आपको 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल बेचूंगा। देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंटेड, कौन सा ऑयल आप बेचना चाहते हो उसमें क्लेरिफाई किया ही नहीं है। सो द ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बींग एक्सेप्टेड फॉर द वॉन्ट ऑफ सर्टेनिटी, सर्टन नहीं है मीनिंग, तो यहाँ पे कोई ऑफर वैलिड नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर इसी एग्जाम्पल में एक इज अ डीलर इन मस्टर्ड ऑयल ओनली, सिर्फ आप मस्टर्ड ऑयल किसी एक ही टाइप के ऑयल में डील करते हो, तो यहाँ पे वैलिड ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? मैंने एग्जाम्पल बोला कि मैं वैरायटीज ऑफ ऑयल में डील करती हूँ और फिर आप मुझसे आते हो कोई भी ऑयल मांगने के लिए, तो देर इज कोई सर्टेनिटी नहीं है ना कि कौन सा ऑयल आप मांग रहे हो। लेकिन अगर मैं खाली एक ही टाइप के ऑयल में डील करती हूँ, तो कोकोनट ऑयल हो गया फॉर एक्सेल, या मस्टर्ड ऑयल हो गया, या सनफ्लावर ऑयल हो गया, जो भी ऑयल होता है, कोई एक ही टाइप का ऑयल है मेरे पास, मैं 50 क्वालिटी नहीं रखती हूँ या 50 टाइप नहीं रखा है, मैंने सिर्फ एक ही टाइप मेंशन करके रखा है, तो फिर आप आते हो मेरे से मांगने के लिए कोई भी ऑयल, तो डेफिनेटली आप कोई ऑयल मांग रहे हो जो मैं बेचने में बेच रही हूँ बराबर की नहीं, या मैं वही बेच रही हूँ जो आप खरीदना चाहते हो। आप आए हो दुकान पे मेरे, तो आई अज्यूम कि आप खाली मस्टर्ड ऑयल खरीदना चाहते हो, इसके लिए आप मेरे दुकान पर आए हो, क्योंकि मेरे मेरे पास मस्टर्ड ऑयल के अलावा और दूसरा कोई ऑयल अवेलेबल ही नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गई मेरे कॉन्ट्रैक्ट की, सर्टन, अदरवाइज क्या होती है वे अनसर्टन अनक्लियर है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन पढ़ाने के लिए फिर से मॉड्यूल में तो मैं आपको बता दे रही हूँ। थर्ड टाइप क्या है देखो, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। इट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑफर, ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेट करना मतलब सामने वाले को बताना कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं। किसको कम्युनिकेट करोगे आप, ऑफरी को। ऑफरी कौन होता है, जिसको हम ऑफर दे रहे हैं। ऑफरर कौन होता है, जो ऑफर दे रहा है। तो अब जो ऑफरर है वो ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट तो करना चाहिए ना, तो आपको पता तो होना चाहिए ना आप एक्सेप्ट क्या कर रहे हो, एक ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफरी को ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑफर क्या है। अगर ऑफरी को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो कैन इट कैन ही और शी एक्सेप्ट द ऑफर, नहीं। जैसे से फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मिस वाई से शादी करना चाहता है, तो मिस्टर एक्स जाके बता रहा है मिस्टर जेड को कि मुझको वाई से शादी करनी है। अब इसने बताया है जेड को और एक्सपेक्ट कर रहा है कि वाई आके इसको अप्रूवल देगी, हो सकता है क्या? नहीं। वाई को पता भी है कि एक्स उससे शादी करना चाहता है, वाई को पता ही नहीं है ना, तो वाई अप्रूवल कैसे देगी या रिजेक्शन भी कैसे देगी ना, दोनों चीजें होती है, जरूरी नहीं कि अप्रूवल ही दे। पता तो होना चाहिए ऑफर रिजेक्ट करने के लिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि देर इज एन ऑफर बराबर की नहीं, तो वही बोला है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग, मतलब ऑफरिंग को पता होना चाहिए। तो जैसे मैं बोलती हूँ प्रार्थना विल यू बाय माय फोन, तो प्रार्थना को पता होना चाहिए कि मैंने उसको ऐसा कोई ऑफर दिया है जहां पे प्रार्थना को मैं मेरा फोन बेच रही हूँ। अब पूरी क्लासरूम को पता है कि मैं प्रार्थना को फोन बेचना चाहती हूँ, एक्सेप्ट प्रार्थना। अब बताओ क्या प्रार्थना मुझे एक्सेप्टेंस दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफर प्रार्थना तक गया क्या, नहीं गया, तो वो एक्सेप्ट कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। तो थर्ड पॉइंट आपका वही है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक केस, जो केस को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, डिजाइन कर दिया है। अब केस में क्या हुआ है वो देखो, गौरी दत्त करके एक पर्सन है, क्या नाम है इनका, अच्छा केस का नाम भी सुन लो तुम लोग, केस का नाम क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये केस के पार्टीज है।
अब लालमोहन शुक्ला है ये जो है वो सर्वेंट है, किसके सर्वेंट है, गौरी दत्त के, मतलब गौरी दत्त कौन है, मास्टर है इनका। तो गौरी दत्त ये है, गौरी दत्त का एक नेफ्यू है, दिख रहा तुमको ये नेफ्यू, नालायक नेफ्यू, गौरी दत्त का एक नेफ्यू है जो क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। पता ना बच्चे लोगों को किडनैप करने के लिए बहुत आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, या बच्चे लोग किडनैप करने की जरूरत भी नहीं हो, किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं या कहीं चले जाते हैं कि किसी को दिखते ही नहीं कि वो है कहाँ पर, इसके लिए उनके पैरों में उनके हाथों में कुछ ना कुछ तो बजने वाला चीजें पहना लेते हैं कि किधर भी जाए तो हमको आवाज आए कि हाँ ये बंदा या बंदी इधर है, बस ट्रेस करने के लिए उसको क्या करते, पायल वगैरह पहना के छोड़ देते, फिर लड़का हो या लड़की हो जेंडर न्यूट्रल बना के उसको कुछ भी पहना के घुमा देते। तो एक नेफ्यू है, नेफ्यू कहीं खोते खोते खेलते खेलते कहीं चला गया, खो गया, अब नेफ्यू मिल नहीं रहा है, अब बच्चा ही है तो डर भी लगता है किडनैप हो गया होगा तो कहीं खो गया होगा, रास्ता ही नहीं पता कहाँ से निकला था कहाँ, एक जाने की जरूरत नहीं होती उनको किधर भी, लेकिन फिर भी उनको मस्ती होती जाने की इधर उधर, चले गए किधर न किधर तो नहीं मिल रहा था। तो गौरव दत्त ने कहा क्या, टेंशन में आके अपने अपने सर्वेंट को बुलाया, सर्वेंट को बोला कि सुन ये नेफ्यू मेरा मिल नहीं रहा है, जा इसको ढूंढ के लेकर आ। गौरव दत्त सर्वेंट है ना बोल सकता है क्या, नहीं, तो वो भी क्या गया इमिडिएटली निकल गया किसको ढूंढने के लिए, नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकल गया। अब क्योंकि गौरव दत्त है परेशान हो गया कि मेरा नेफ्यू खो गया है, जब लालमोहन शुक्ला चला जाता है नेफ्यू को ढूंढने के लिए, ये यहाँ पे एक क्या करता है, अनाउंसमेंट करता है, एक चीज सबको से पब्लिक जमा करता है और बोलता है कि सुनो जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा, ट्रेस करके लेकर आएगा, उसको मैं एक अमाउंट का रिवॉर्ड दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक अमाउंट को क्या कर दिया, 5,000 रुपीज दे दिया, ठीक है। तो जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको क्या दूंगा, 5,000 का रिवॉर्ड दूंगा। अब बाकी के लोग भी क्या करेंगे, नेफ्यू को ढूंढने के लिए चले गए, उनकी 5,000 रुपए का सवाल है, तो सब लोग क्या किए, नेफ्यू को ढूंढने के लिए चले गए। बताओ क्या गौरी दत्त ने ऑफर दिया, यस, क्या गौरी दत्त का ऑफर एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट हो, सब लोग क्या करे, ढूंढ रहे थे मतलब ऑफर एक्सेप्ट करे, अब जिसको मिल जाएगा रिवॉर्ड वही क्लेम कर पाएगा, सबको तो रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। चीजों से अनजान लालमोहन शुक्ला बेचारा नेफ्यू को ढूंढ रहा था और उसको लकीली मिल गया क्योंकि पहले वही निकला था कोच पे, तो लालमोहन शुक्ला को नेफ्यू मिल गया। तो लालमोहन शुक्ला नेफ्यू का कान पकड़ के खींच के उसको लेके आता है, गौरी दत्त के सामने प्रेजेंट करता है और उसके बाद उसको समझ में आता है कि गौरी दत्त ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है जहां पे उन्होंने बोला है कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये जो लालमोहन शुक्ला जो सर्वेंट है वो बोलता है आई एम एलिजिबल टू गेट द रिवॉर्ड क्योंकि मैंने आपके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आया है, बराबर के नहीं। अब डेफिनेटली गौरव दत्त ने मना किया रहेगा उसको, तभी तो मैटर कोर्ट में गया, वरना हम मैटर कोर्ट में नहीं आता और हमको पढ़ना नहीं पड़ता, बराबर। अब ऐसे लोगों की वजह से आपको केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं। तो जब केस गया कोर्ट में तो लालमोहन शुक्ला ने गौरव दत्त के ऊपर केस किया और बोला कि देखो मेरा राइट है 5,000 रुपीज का रिवॉर्ड लेने का जो इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था कि जिस जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 का रिवॉर्ड दूंगा। मैं ढूंढ के लेकर आया नेफ्यू को, लेकिन मुझको रिवॉर्ड देने के लिए ना बोल रहे हैं, बताओ कोर्ट क्या बोलेगी, जजमेंट किसके फेवर में आना चाहिए, आप बताओ, आप लोग जज हो बताओ किसके फेवर में जजमेंट आना चाहिए, क्यों गौरव दत्त के फेवर में जजमेंट आना चाहिए, क्या ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं है, तो कोर्ट भी यही बोलेगा, जज भी यही बोलेगा कि सब बराबर है तेरा, तो ढूंढ ढूंढ के लेकर आया, लेकिन जो सबसे बेसिक एलिमेंट है एक ऑफर को वैलिड ऑफर होने के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए, दैट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। जब ये बात चल रही थी कि लालमोहन सॉरी गौरी दत्त क्या करेगा रिवॉर्ड देगा, आप वहां प्रेजेंट थे क्या, आपने अपने कानों से सुना, नहीं ना आपने कानों से ऑफर सुना, नहीं तो आप बिना सुनने ऑफर को हवे में एक्सेप्टेंस कहाँ लगा रहे हो अपना, आपका एक्सेप्टेंस हवे में तो आ नहीं सकता है ना, ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस आएगा, तुमने ऑफर सुना नहीं तो तुम हवे में एक्सेप्टेंस क्यों दे रहे हो अपना कि नहीं नहीं मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया इनका ऑफर, तुम तो थे ही नहीं ना वहां पे, तुमको तो पता ही नहीं इस ऑफर के बारे में, देन यू कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। तो इस सिचुएशन में कौन जीता, गौरी दत्त जीत गया। लालमोहन शुक्ला बीइंग द सर्वेंट ऑफ गौरी दत्त, इसकी तो ये
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मैं आपके लिए काम करता हूँ तो ये भी तो मेरे काम का ड्यूटी का एक पार्ट है ना, इसके लिए मैं एडिशनल कैसे चार्ज करूँ? तो मेरा ढूंढ के लाना आपके नेफ्यू को, दैट वॉज एडिशनल टास्क विच ही हैड टू डू, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं। समझ में आया आप लोगों को? तो जो थर्ड एलिमेंट है केयर ऑफर को वैलिड होने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपका ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ ही नहीं है ना, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। ये समझ में आ गया? तो ऑफर क्या होना चाहिए? हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। तो मॉडल पे आ जाते हैं। सी एन ऑफर टू बी कंप्लीट, ऑफर को कंप्लीट होने के लिए मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेट भी किसको होना चाहिए? जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। तो मेरे पहले एग्जांपल में मैंने बोला पूरी क्लास को पता है कि मैं मेरा फोन भेजने वाली हूँ प्रार्थना को, एक्सेप्ट प्रार्थना। तो मेरी ऑफर ही कौन दे? मेरे ऑफर तो प्रार्थना है, प्रार्थना को ही कम्युनिकेट नहीं हुआ तो मेरा ऑफर कम्प्लीट हुआ क्या? नहीं। जहां पे ऑफर कम्प्लीट है वहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अदरवाइज देर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाई इट। जब तक आपको ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा, सामने वाला पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। अगर आपको ऑफर का आइडिया ही नहीं है, आप तक ऑफर ऑफरी से ऑफरर से गया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ऑफर के बारे में, यू आर इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, स्टिल यू आर गिविंग योर एक्सेप्टेंस विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है? और ना एक्सेप्टर के पास कोई भी राइट नहीं आएगा। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द लैंडमार्क केस ऑफ लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब मैंने आपको केस बताया है, नाउ यू हैव टू रीड इट, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दो। कबने पढ़ लिया? कोई डाउट है अभी तक? अभी तक हमने तीन ही एलिमेंट किए ऑफर को वैलिड होने के लिए, तीन एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या था? इट मस्ट बी लीगल रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? नॉट वे। तीसरा क्या है? टू द ऑफर। इसका केस तो क्या है? लालवंत शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। केस में कैरेक्टर को घुमा देंगे, सिचुएशन थोड़ा घुमा देंगे, बट अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो क्लियर है? अब फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। मतलब जो हमारे डेफिनेशन का पार्ट है कि आप जो भी ऑफर देते हो तो ऑफर खाली आप बताने के लिए नहीं बता रहे, मतलब इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि मेरा ऑफर सुनने के बाद समबडी शुड और दैट पर्सन शुड एक्सेप्ट इट, बराबर कि नहीं? आप उसका असेंट लेना चाहते हो अपने ऑफर के बदले में। ये समझ में आ रहा है? तो हमेशा क्या होना चाहिए? व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट पार्टी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पोज करना है। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस एंड नॉट मियरली विद अ व्यू ऑफ डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे शादी करना है बाय द एंड ऑफ 2024, मैं चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ, तो मैं ऐसा प्रार्थना को बता रही हूँ, प्रार्थना आई एम थिंकिंग टू गेट मैरिड अंटिल 2024। बताओ क्या मैं ऑफर दे रही हूँ प्रार्थना को कि शादी कर ले मुझसे? नहीं ना। ऑफर कब होता? जब मैं बोलती प्रार्थना विल यू मैरी मी, तो ऑफर होता है ना, अदरवाइज ये ऑफर नहीं कर सकती हूँ शादी में प्रार्थना से, ऐसे ना देखो मेरे को। ठीक है? तो आप खाली अपना इंटेंशन नहीं बता रहे हो, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इंटेंशन और इन्फॉर्मेशन, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन सो दैट अदर पार्टी कैन अप्रूव योर ऑफर। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? ऑफर में भी कंडीशनल, आप अपने ऑफर के ऊपर कंडीशन डाल सकते हो। तो जैसे आप कहीं बड़े जब कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, तो वो बोलते हैं हमको कैश में पेमेंट मत करो, आप लोग हम कैश एक्सेप्ट नहीं करते। वॉट यू हैव टू डू? आपको खाली नेट बैंकिंग यूज करके आरटीजीएस या एनईएफटी करके ही पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है? तो इट इज एन कंडीशन। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अपने यहाँ पे ट्रेंड्स है, आई थिंक सबके यहाँ पे ट्रेंड्स है, अपने यहाँ पे भी है। तो ट्रेंड्स में ना हमेशा जब आप शॉपिंग करने जाए, जब जब शॉपिंग करने जाओ ना, पता नहीं क्या वो लोगों ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है ना, आपको कुछ वाउचर चिपका देते हैं।
और एक नहीं दो नहीं सात आठ ऐसे वाउचर आते हैं, कभी कभी तो आप 15-20 वाउचर भी ले लेते हो। मतलब मेरे को बहुत वाउचर मिलते हैं, पता नहीं मैं क्यों इतना जाती हूँ ट्रेंड्स में। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज देयर सेल। आप वाउचर के लालच में जाते हो, वाउचर रिडीम कराओगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप क्या करोगे कपड़े खरीद लोगे, फिर वो शॉपिंग करोगे तो फिर आपको वाउचर मिलेगा नया। तो ये साइकिल चलता है उनका, वाउचर देने का, वाउचर रिडीम कराने का। तो जब जब आप ट्रेंड्स में जाओगे ना तो आपको ऐसा ही वाउचर मिलता है, वाउचर में एक कंडीशन लिखा होता है, आपको ये वाउचर रहेगा 500 रुपीज का। मतलब एक सर्टेन अमाउंट का अगर आप स्पेंडिंग करते हो और ये वाउचर लेके जाते हो तो आपको उसमें से 500 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो सर कंडीशन क्या है, ₹1500, पहले 1250 था अब 1500 कर दिया है, मेरे को इतना तक याद है। तो अगर आपने 1500 या उससे ज्यादा का शॉपिंग किया और ये वाउचर लेकर गए तो आपको क्या मिलेगा, 500 रुपीज का ऑफ मिलेगा। बराबर की नहीं, क्या ये कंडीशनल ऑफर हो सकता है? हम आपको डिस्काउंट तभी देंगे जब आप क्या करोगे, 1500 से मिनिमम का शॉपिंग करोगे और ये वाउचर कैरी करोगे। समझ में आ रहा है? सो ऑफर में भी कंडीशनल, कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ये वाउचर रिडीम करूं तो वाउचर रिडीम करने के लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई किए। वो कंडीशन क्या है कि आपको इतने अमाउंट का तो कम से कम शॉपिंग करना होगा, आप अगर उतने अमाउंट का शॉपिंग कर लेते हो तो आपका वाउचर क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, ऑफरर मे आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस और एनईएफटी एक्सेट्रा। मतलब जो ऑफर दे रहा है बोल सकते हैं भाई मेरे को पेमेंट खाली इसी मोड से चाहिए, इसके अलावा मैं कोई दूसरा मोड का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आजकल ब्लैक मनी का बहुत नजर चालू है, पकड़ा गया इधर उधर, या फिर तुम मुझे नहीं पता तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या, तुम कहां से कैश लेके आ रहे हो, तो मैं पकड़ा गया तो रिस्क है कि नहीं है? हाँ, तो मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। सो द ऑफर विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। जो भी ऑफरर ने ऑफर दिया है उसमें जो भी कंडीशन, जो सारे कंडीशन को आपको कंप्लाई करने होंगे, जब आप सारे कंडीशन को कंप्लाई करते हो तो ही एक वैलिड ऑफर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, अदरवाइज। ठीक है, फिर उसके बाद है ये पॉइंट नंबर 6, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। आपके ऑफर में ऐसा कोई टर्म, जब मैं टर्म बोलती हूँ तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मान के चलो, आपके ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, कि अगर आपने इस टर्म को कंप्लाई नहीं किया, फॉलो नहीं किया या फुलफिल नहीं किया, वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने कुछ टर्म्स बताया आपको कि आपको ये काम करना होगा और आपने अगर ये काम नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने क्या कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी इट्स नॉट इक्वल टू इट्स टर्म्स, टर्म्स का नॉन कंप्लायंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत ही कॉम्प्लिकेट लगता है जब ऐसा लाइन पढ़ते हो आप लोग, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो पहले तो समझ लो कि पॉइंट बोलना क्या चाहता है आपके ऑफर में। अभी देखो ऊपर हमने बोला ना, ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है, कंडीशन हो सकता है कि नहीं, लेकिन आपके कंडीशनल ऑफर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो आप मान लोगे कि उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डीम्ड प्रोविजन आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, डीमिंग फिक्शन आपको मान नहीं लेना है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल बोलती हूँ, आप किसी लड़की को जाके प्रपोज करते हो या कोई लड़की किसी लड़की को प्रपोज करती है और बोलती है कि कुछ भी एक्स वाई जेड तुम्हारी जो लव स्टोरी होगी आप उसको बता देते हो, और बोल देते हो उसमें लाइन कि अगर आपने मुझको 7 दिनों में अप्रूवल नहीं दिया, मतलब मेरे प्रपोजल जो मैंने प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, तो 8वें दिन से आई शैल अज्यूम कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इसका यही मतलब है कि आप अपने ऑफर में ऐसा कोई टर्म मत डालो जिसका नॉन कंप्लायंस को आप एक्सेप्टेंस ट्रीट करोगे। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल देखो, यहां पर ए दिख रहा है आपको, मिस्टर ए है, और यहाँ कौन है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है कि आप मेरा फोन परचेज करोगे क्या फॉर एक्स रुपीज के लिए। तो मिस्टर बी को टाइम लगेगा सोचने के लिए कि हाँ मुझे आपका फोन खरीदना भी है या नहीं खरीदना है, मार्केट में उस फोन का रेट क्या चालू है, कितना पुराना मॉडल है, तो डिसीजन लेने के लिए टाइम लगता है कि नहीं। हाँ,
तो इसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लो, आपको डिसीजन लेना है टेक अ टाइम। लेकिन ए बोलता है बी को, अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर मुझको रिप्लाई नहीं दिया ना, अगर आपने मतलब किसने बी ने, अगर बी ए को 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं देता है तो ए क्या करेगा, अज्यूम कर लेगा, क्या अज्यूम कर लेगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ए के ऑफर को। बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुमको मैंने पहला एग्जांपल दिया वो भी तो ऐसे ही था ना, आप किसी को भी अज्यूम कर, वो लड़की को नहीं करना, नहीं आना था तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तुम जबरदस्ती अज्यूम कर लोगे कि हाँ तो 8वें दिन से मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, नहीं कर सकते ना ऐसा, जोर जबरदस्ती है क्या इधर, नहीं। ऑफर में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सामने वाला भी तो विलिंग होना चाहिए, जो आप करने के लिए बोल रहे हो सामने वाला पर्सन रेडी भी तो होना चाहिए वो करने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब निकलता है, आपको अपने ऑफर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं डालना है कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड में रिप्लाई नहीं दिया, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सुखा क्लियर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आने के पहले मॉड्यूल से देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, दस वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय सर्टन टाइम, अगर आपने एक्सेप्टेंस कुछ टाइम पीरियड में नहीं दिया द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑफर क्या किया आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसका एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल नंबर 45, प्लीज आप लोग रीड करो। समझ रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे हले हले समझ जाएगा, सब लोगों ने पढ़ लिया है एग्जाम्पल नंबर 45। नेक्स्ट, द ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल, आपका ऑफर जो है वो स्पेसिफिक हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को आपने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब सिर्फ उसी पर्सन को ये मेरा ऑफर है और किसी को नहीं है। जनरल क्या होता है, कोई भी एक्सेप्ट करे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अपना मैं जनरली एग्जांपल देती हूँ जॉब लेटर का, जॉब लेटर का, तो मानो आप लोग 3 साल के बाद बन गए सीए, तो ये सीए और ये आपका आगे नाम है यहाँ पर, आप लोग क्या करने जाओगे सीए बनने के बाद, सबको जॉब करना, मतलब मेजोरिटी लोगों को तो जॉब ही करना होता है, तो आप लोग बोलते हैं हम जॉब करने जाएंगे, पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेंगे काम क्या करता है सीए, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिसिंग फॉर्म खोलेंगे या जो करना है वो करेंगे बिजनेस अकाउंट। तो आप लोग जाओगे अलग अलग दर दर कंपनियों में, क्या दोगे इंटरव्यू दोगे, भटकोगे जॉब मिलने के लिए, फिर आपको सिलेक्शन होगा, आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा, जब इंटरव्यू आपका पास होता है तो आपको क्या मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, बराबर कि नहीं। ज्वाइनिंग लेटर पे लिख के आता है टू मिस्टर और उसके आगे या मिस और उसके आगे उनका नाम लिखा होता है कि नहीं। तो मानो ये ऑफर आया है अपने सिद्धू को, सिद्धू का नाम लिख के आया ऑफर लेटर, उसको रिलायंस से ज्वाइनिंग का ऑफर आ गया है, तो खुशी होगा बंदा कि भाई अच्छी कंपनी मिल गई है, अच्छा पैकेज भी दे रही है। तो नाम किसका लिख के आया, सिद्धू का, लेकिन सिद्धू को इस जगह से और ऑफर आया, सिद्धू को डबल ऑफर आ गया। अब सिद्धू दो ऑफर तो एक साथ में एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो सिद्धू को जो दूसरा ऑफर आया ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो सिद्धू बोलता है ना ये जो रिलायंस का ऑफर मुझको आया ना, मैं चाहता हूं कि ये मैं अपना ऑफर ना प्रेम को दे देता हूं, तो मेरे बिहाफ पे जहां पे उन्होंने नाम रखा था सिद्धू का, वो चाहता है कि मेरे बिहाफ पे ये लेटर को लेके प्रेम जो है उस कंपनी में जाके ज्वाइन कर ले। बोलो हो सकता है क्या ऐसा, ये स्पेसिफिक ऑफर था सिर्फ सिद्धू के लिए ही था, सिद्धू ही इसको एक्सेप्ट कर सकता है और सिद्धू ही इसको रिजेक्ट कर सकता है। प्रेम के पास कोई भी अथॉरिटी है क्या इसको एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, नहीं। तो ऑफर जो है अगर स्पेसिफिक ऑफर है, मतलब मैंने किसी एक्स पर्सन को ही ऑफर दिया, तो जैसे हमारे 12th के जो बच्चे होते हैं हम उनको ऑफर देते हैं कि अगर आप 12th प्लस सीए फाउंडेशन हमारे साथ करोगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे, से फॉर एग्जाम्पल 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये ऑफर स्पेसिफिक है खाली हमारे 12th के बच्चों के लिए ही है, आउटसाइडर्स आएंगे तो उनको हम क्या ये वाला ऑफर देंगे, हम उनको ये ऑफर नहीं देंगे। सो नाउ दिस बिकम्स योर स्पेसिफिक ऑफर,
ये क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा क्या होता है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या है, किसी के लिए भी ओपन है। तो अपने यहाँ पे है रूल है कि अगर आप सीए फाउंडेशन का एडमिशन लेते हो तो आपको सर्टेन परसेंटेज का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर वो कोई भी स्टूडेंट आ जाए उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा हमारे साइड से। फिर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो या नहीं हो उसका मैटर नहीं करता है, आप न्यू स्टूडेंट रहोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ये वाला परसेंट, ये वाला डिस्काउंट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, दैट इज जनरल ऑफर। क्या जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्या स्पेसिफिक ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं। तो स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया, ये दो टर्म क्लियर है आपको। एनी ऑफर कैन बी मेड टू आइदर पब्लिक एट लार्ज और टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन को होगा तो स्पेसिफिक ऑफर होगा, पब्लिक एट लार्ज को होगा तो क्या हो जाएगा, वो जनरल ऑफर। अब यहाँ पे लिखा ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द हेडिंग्स टाइप्स ऑफ ऑफर, अभी हमने वो पढ़ा नहीं, अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑफर पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी तक बेसिक क्लियर है आप लोगों को, जनरल और स्पेसिफिक में डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि नहीं, ग्रेट। फिर उसके आगे आता है ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, आपका ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर कैसे होगा, आप बोलोगे या तो आप वर्ड्स यूज करोगे, या तो आप राइटिंग में, या तो रिटर्न होगा, या तो ओरल होगा, यही है एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर भी तो हो सकता है, इम्प्लाइड ऑफर आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपको पता है बाय एक्शन और बाय कंडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो पुली का, और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आप बहुत बड़े इंसान हो कि नहीं हो, अभी नहीं हो लेकिन अज्यूम करो 5 साल में तो ही जाओगे सीए बनने के बाद, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, तो आपकी बहुत बड़ी गाड़ी होगी और बहुत सारी गाड़ी होगी, बहुत सारी गाड़ियां होंगी आपके पास, तो आप जब मर्जी आएगी तब आप कोई भी गाड़ी निकाल दोगे अपने गैराज में से और लेके चले जाओगे। हाँ, आप गैराज नहीं होता है, स्टोर रूम जो है आपका। तो मानो आपने अपने स्टोर रूम से गाड़ी निकाली और ये गाड़ी जो निकली है ये है पोर्श, पता आपको गाड़ी, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है? हाँ, वो गाड़ी निकाली आपने, बड़ी महंगी गाड़ी आती है लेकिन बड़ी बहुत ही सही गाड़ी दिखती है वो, तो आपने वो गाड़ी ले ली। अब ये गाड़ी क्योंकि आपने बहुत टाइम से यूज नहीं होगी, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं ऐसी, तो आपने बहुत टाइम से गाड़ी यूज नहीं की थी, तो आप ये गाड़ी लेके रस्ते पे निकल गए, कहीं पे सिग्नल आया वहां पे रुक गए आप लोग गाड़ी लेके अपना, आप गाड़ी में क्योंकि यूज नहीं होता, गाड़ी पे डस्टिंग तो हो ही जाता है, तो आपकी गाड़ी पे यहाँ पे कांच में ना बहुत सारा डस्ट था। तो एक बच्चा आता है छोटा सा, पता है सिग्नल पे इंडिया में ही होता है ये सारी चीजें, बाहर नहीं होती है। आपकी गाड़ी पर डस्ट था तो एक बच्चा आया सिग्नल पे, देखा आपकी गाड़ी पर डस्ट, तो वो जो बेचते ना ऐसा कुछ कांच क्लीन करने वाला बेचते आइटम, तो उसने क्या किया, वो यूज करके आपका पूरा गाड़ी का जो डस्ट था वो निकाल दिया, इधर से और पीछे से, तब तक आपकी गाड़ी सिग्नल पे मस्त में खड़ी है, उसने पूरा डस्ट आपकी गाड़ी का क्लीन कर दिया। बताओ क्या जो पर्सन यहाँ बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे को पैसे देने की? क्यों? इम्प्लाइड ऑफर, मतलब बना बच्चे ने वॉलंटियरली आया आपकी गाड़ी क्लीन कर दिया ना, आपको अगर इसकी सर्विस नहीं चाहिए थी तो आप उसको रुका देते, गाड़ी के ऊपर चढ़े मत, उधर साइड में आ मत, क्लीन कर, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? आपने बोला कि ऐसा नहीं, आपने बोला नहीं साफ करने दे उसको, भी गाड़ी सच में गंदी हो चुकी है, जब उसने गाड़ी साफ की उसने आपको सर्विस दी, इम्प्लाइड सर्विस दी बाय एक्शन बाय कंडक्ट किया उसने, नाउ यू हैव टू मेक अ पेमेंट टू दिस गाय, छोटे बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, सो दिस बिकम्स योर इम्प्लाइड ऑफर। और ऐसे यहाँ पे क्या बनता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चे ने जो जाके वॉलंटियरली जो सर्विस दी जाके बस इम्प्लाइड कि मैं आपका कांच क्लीन करूंगा, बदले में आप क्या दोगे मुझको, पैसे दोगे। कितना मांगते बेचारे मांग मांगते, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, बड़ा पकाने का पैसा मांगते और दे दिया करो उतना, है ना। ये क्लियर हो गया आपको 8 पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाए, एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल नंबर 46, पढ़ो आप लोग जल्दी पढ़ो, चलो पढ़ के हो गए यहां तक,
ये लास्ट के दो पॉइंट और है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी, मॉड्यूल से ब्रेक के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, चलेगा आप लोगों को? नहीं तो आप लोग एग्जॉस्ट हो जाओगे इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम, ऑफर अलग है, किससे ऑफर अलग है? मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट। आपने कोई अनाउंसमेंट किया उससे भी ऑफर अलग है, आपने खाली स्टेटमेंट अपना इंटेंशन बताया कि मुझको ये करना है, वो भी क्या है? आपका ऑफर नहीं है। एग्जाम्पल, फादर ने अपने बच्चे को क्या लिखा? एक लेटर लिखा? नहीं। हाँ, फादर ने अपने बेटे के लिए क्या लिखा? एक लेटर लिखा जहां पे वो विश कर रहा है, क्या कर रहा है? विश, इच्छा रखता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो क्या है, बेटा है, वो क्या बन जाए? ओनर बन जाए। किसका? मेरी ही सारी प्रॉपर्टीज का। तो हर बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा क्या बने? मेरी प्रॉपर्टी का ओनर बने। मतलब पापा ने जो प्रॉपर्टी बनाई रहेगी उसके ओनर कौन बनेंगे? आप लोग बनेंगे। ये इच्छा है, वो तुम्हारे कर्तव्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बराबर की नहीं? तुमको एवे ही दहेज में नहीं मिल रही प्रॉपर्टी, या ऐसे फ्री में नहीं मिल रही प्रॉपर्टी। पापा ने अपनी इच्छा जाहिर करी है, पापा को लगता है कि तुम लायक हो उसके, कि तुमको वो प्रॉपर्टी दे दी जाए, तुम उसको बेच के खा नहीं पाओगे तो भी तुमको वो प्रॉपर्टी देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ही जस्ट मेकिंग अ विश कि मैं अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का ओनर बनाऊंगा। क्या ये ऑफर है पापा के साइड से बेटे को? मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले। कल को तुम क्या पापा की प्रॉपर्टी बेचना चालू कर दो, कह रहे प्रॉपर्टी ऑन सेल, प्रॉपर्टी ऑन सेल? कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते हो। तो इट इज अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे प्रॉपर्टी का ओनर बन जाए, अभी उनके थॉट के बाहर कि अभी अभी बन जाते नहीं, अभी नहीं, अभी मैं चाहता हूं कि तू ओनर बन जाए। ठीक है, सिंपल है। तो ये ऑफर नहीं, ये क्या है? आपका इंटेंशन, क्या बता रहे हो कि हाँ मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए जिंदगी में। ठीक है, वैसे तो बाप लोग बहुत चाहते हैं कि बेटे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन होता है क्या ऐसा कुछ? सेकेंड, अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% ट्वेल्थ बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। अगेन, अगर आपने कोई अनाउंसमेंट, ऐसे पब्लिक अनाउंसमेंट होती है ना, ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट होती है, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि वो खाली एक प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा होगा, कब होगा, क्या है रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको एडिशनल जाके क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और जो कंडीशंस होंगे वो फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या होगा? ऑफर मिलेगा। सो इट इज अनाउंसमेंट, कोई भी किया, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज सिंपली अनाउंसमेंट। प्रचार कर रहे हैं, क्यों प्रचार करते हैं? अपना ये होने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, नथिंग एल्स। मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, खाली आपको इन्फॉर्मेशन पास कर दो, जैसे कि आई केम टू नो फ्रॉम समवेयर सम सोर्सेस की श्रावणी जो है वो अपनी मर्सिडीज बेचना चाहती है। तो मैंने किसी को जाके बोल दिया कि अरे श्रावणी अपनी मर्सिडीज बेचना चाहती है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया, आई वॉज पर्चेजिंग सम इन्फॉर्मेशन, और मैंने वो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर दिया किसी और को। ऑफर है? ऑफर है नहीं। प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो क्या नहीं है? ऑफर नहीं है। अब इस सब का ना हम डिटेल में क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ये सब का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कुछ एक दो केसेस है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसके पहले के जितने भी पॉइंट हमने पढ़े, क्या आपको उसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट? तो ब्रेक लेने से पहले आप लोग मुझको बताओ ऑफर का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट जो जो पढ़े बताओ। ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट लगते हैं? पहला, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, सर्टन डेफिनेट और नॉट वेग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑयल वाला लिख के आ जाना। तीसरा, केस क्या था इसमें? केस याद है? ठीक है। फोर्थ क्या था? क्यों आप ऑफर दे रहे हो? ताकि सामने वाले का असेंट ले सको, सिंपल है। फिफ्थ क्या है? एक
मेबी मस्ट नहीं है, हाँ इट मे बी कंडीशनल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंडीशन होगा तो आपको कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते तो कोई वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस माना जाएगा. नेक्स्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है जनरल भी हो सकता है. नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट अनाउंसमेंट खत्म. पूरा मत बोलो, याद रखने के लिए चार वर्ड्स याद रखो, दैट इज इनफ. यहाँ से क्लियर है आप लोगों को? अब जब मैं रीस्टार्ट करूंगी ब्रेक के बाद, जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से पहले इसको ही रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे जो टर्म्स है वो पढ़ेंगे. ठीक है, जरा सा हाँ पी के फ्रेश हो जाओ तुम लोग. ओके.